कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना, आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट, अरे ये अपने धर्म पर, अपने समाज पर, अपने राष्ट्र पर, अपने संस्कार पर लोग को गर्व महसूस होना चाहिए। उसको हल्का करना, उसको लज्जित करना, ये कतई उचित नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कहीं नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करें, अपने लोगों को हतोत्साहित डिमोरलाइज करें। ये मानसिकता कभी किसी को लाभ नहीं देता और तुष्टिकरण की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने साफ कहे कि अब संतुष्टिकरण की राजनीति होगी, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास होगा। कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना, आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट, अरे ये अपने धर्म पर, अपने समाज पर, अपने राष्ट्र पर, अपने संस्कार पर लोग को गर्व महसूस होना चाहिए। उसको हल्का करना, उसको लज्जित करना, ये कतई उचित नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कहीं नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करें, अपने लोगों को हतोत्साहित डिमोरलाइज करें। ये मानसिकता कभी किसी को लाभ नहीं देता और तुष्टिकरण की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने साफ कहे कि अब संतुष्टिकरण की राजनीति होगी, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास होगा। कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना, आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट, अरे ये अपने धर्म पर, अपने समाज पर, अपने राष्ट्र पर, अपने संस्कार पर लोग को गर्व महसूस होना चाहिए। उसको हल्का करना, उसको लज्जित करना, ये कतई उचित नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कहीं नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करें, अपने लोगों को हतोत्साहित डिमोरलाइज करें। ये मानसिकता कभी किसी को लाभ नहीं देता और तुष्टिकरण की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने साफ कहे कि अब संतुष्टिकरण की राजनीति होगी, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास होगा।